वेलकम। आज हम बात करेंगे हमारी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट भाग के बारे में, जो है ब्रेन। हमने पार्ट वन जो देखा था नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद में हम देख रहे जा रहे हैं पार्ट टू, जिसके अंदर हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम का सबसे पहला टाइप होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दो चीजों से मिलकर, मतलब हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु, दो चीजों से मिलकर हमारा बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे ब्रेन और ब्रेन के जितने भी पार्ट्स है वो किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन से भाग है उनके अंदर और कौन कौन सी चीजें आती है उन सबके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा इंपॉर्टेंट भाग होता है जहां से सारी तंत्रिकाएं, सारे न्यूरॉन्स, जैसा कि हमने पार्ट वन में देखा था, न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स हमारी बॉडी की तंत्रिकाएं होती है, जो कि हमारे ब्रेन से सूचनाओं को ले जाकर के पूरी बॉडी तक लेकर जाती है और सारी जितनी भी सूचनाएं होती है, जितनी भी संवेदनाएं होती है, उन सबको पूरी बॉडी से लेकर के ब्रेन तक लेकर आती है। तो उनको कंट्रोल करने का, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो ब्रेन के द्वारा होता है। ब्रेन ब्रेन के पोजिशन हम देखते हैं तो का पोजीशन क्या होगा, क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं क्रेनियम, और इसकी जो गुहा है या इसका जो खंड है, इसे हम बोलते हैं क्रेनियम कैविटी। तो क्रेनियम कैविटी मतलब इस खोपड़ी के अंदर में हमारा क्या होता है, ब्रेन स्थित होता है। इस ब्रेन का जो वेट होता है वो नॉर्मल होता है 1200 से 1500 ग्राम, मतलब हमारी बॉडी का 2%, जितना हमारा बॉडी का वेट होता है, हमारी बॉडी के वेट का 2%, ये मेल में इतना होता है लगभग 1500 ग्राम के आसपास, फीमेल्स में 100-150 ग्राम, थोड़ा कम होता है। मेल का जो ब्रेन होता है उसकी तुलना में फीमेल्स का जो ब्रेन होता है वो थोड़ा सा हल्का सा 100-150 ग्राम कम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेन के पार्ट्स। ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। ब्रेन इस तरीके से हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के तीन भाग होते हैं। एक होता है हमारा आगे वाला भाग, एक होता है पीछे वाला भाग, और एक होता है बीच वाला भाग। जो सबसे आगे वाला भाग होता है इसे हम बोलते हैं अग्रमस्तिष्क, और इंग्लिश में से बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के तीन भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है सेरिब्रम, जिसके अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मतलब होता है मध्य भाग, मतलब हमारे अग्र ब्रेन और पश्चिम ब्रेन, मतलब हमारे आगे वाले हिस्से को और पीछे वाला हिस्सा, फोर ब्रेन और हिंज ब्रेन को बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है मिड ब्रेन। और सबसे पीछे वाला हिस्सा, जो हमारे दिमाग का, हमारे मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, उसे हम बोलते हैं हिंज ब्रेन। मतलब इसके अंदर होता है सेरिबेलम एक भाग, दूसरा भाग इसके अंदर होता है पोन्स, और थर्ड भाग इसका मेडुला ओब्लॉन्गा। तो इन सारे भागों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम सबसे जो पहला वाला भाग है उसके बारे में पढ़ते हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, लगभग 70% to 80% भाग जो होता है वो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। ये दो भागों में डिवाइड होता है, मतलब इसके अंदर दो हेमिस्फीयर होते हैं। हेमिस्फीयर मतलब होता है खंड, दो अलग अलग भाग होते हैं जिसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। मतलब ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का एक लेफ्ट साइड होगा एक राइट साइड होगा। इस तरीके से ब्रेन को दो भागों में हम सेरिब्रम को डिवाइड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम के अंदर में क्या होता है, सेरिब्रम के अंदर चार लोब होते हैं, मतलब चार खंड होते हैं सेरिब्रम के। अब कौन कौन से खंड होते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल और ऑक्सीपिटल। ये चार लोब होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया फ्रंटल लोब जो कि इतना होगा, दूसरा है टेम्पोरल, ये नीचे वाला हिस्सा, तीसरा है पेराइटल लोब, चौथा है ऑक्सीपिटल लोब। अब इन चारों खंडों में जो चार तरह की हमारी बोन्स होती है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, वो चारों भी इनके अंदर ही उपस्थित होती है। तो इस तरीके से इसके चार लोब होते हैं, फ्रंटल जो सबसे आगे वाला फ्रंट में होगा, उसके बाद टेम्पोरल, टेम्पोरल जो हमारे इस साइड पे होता है कान के जस्ट आगे की साइड पे, इसके बाद में पेराइटल जो कान के जस्ट पीछे की साइड पे, ये वाला हिस्सा जो होता है, और उसके बाद ऑक्सीपिटल जो हमारे मिडिल में इस जगह पर स्थित होता है। इस तरीके से चार तरीके के इसके खंड होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसके फिशर्स। फिशर्स का मतलब क्या होता है, फिशर्स का मतलब होता है कटान। कटान कटान मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे निशान जो ब्रेन को अलग अलग भागों में बांटता है। फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब अलग अलग कैसे है, किस तरीके से इनको डिवाइड करके नाम दिया गया है, उसको किस तरीके से डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं फिशर्स। तो जो हमारा पहला फिशर है वो है सेंट्रल सल्कस फिशर। सेंट्रल सल्कस फिशर जो होता है ये क्या करता है, ये वाला फिशर होता है, ये वाला फिशर आपको दिख रहा है इसके अंदर में, ये क्या करता है, फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब के बीच में स्थित होता है। सेंट्रल सल्कस फिशर, फ्रंटल और
पेराइटल लोब के मध्य स्थित, ये जो कटान बिंदु है जो पेराइटल लोब और फ्रंटल लोब को अलग अलग कर रहा है, इसे बोलते हैं सेंट्रल सल्कस फिशर। दूसरा हमारा है पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस फिशर। पेराइटो ऑक्सीपिटल, पेराइटो ऑक्सीपिटल कहां पर होगा? यह कटान जो कि पेराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब को अलग अलग करता है, तो इस वाले कटान को हम लोग क्या बोलेंगे? पेराइटो ऑक्सीपिटो सल्कस। थर्ड है हमारा कैलेसो मार्जिनल। कैलेसो मार्जिनल कहां पर होगा? कैलेसो मार्जिनल होगा हमारा पेराइटल लोब और टेम्पोरल लोब, सॉरी कैलेसो मार्जिनल, कैलेसो मार्जिनल जो फिशर होगा वो ये वाला होगा, मतलब हमारा ऑक्सीपिटल लोब से पहले, जो ऑक्सीपिटल लोब को पीछे वाले ब्रेन से, मतलब पीछे वाले भाग से, मतलब ब्रेन के पिछले वाले भाग से ऑक्सीपिटल लोब को अलग करने वाला जो फिशर होता है, इसको हम बोलते हैं कैलेसो मार्जिनल फिशर। और लास्ट हमारा है साल्वियन फिशर। साल्वियन फिशर जो होगा वो पेराइटल लोब और टेम्पोरल लोब के बीच की ये जो रेखा है, इसे हम कह सकते हैं पेराइटल लोब और टेम्पोरल लोब का कटान बिंदु, जिसका नाम है साल्वियन फिशर। ये सारे इंपॉर्टेंट भाग होते हैं इसके सेरेब्रम के, सेरेब्रम के लोब्स और सेरेब्रम के फीचर्स, इनको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे इसमें देखते हैं सेरेब्रम के फंक्शंस को। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम, मतलब सेरेब्रम जो सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का, ये जो इतना बड़ा भाग होता है 70-80%, या फिर काम क्या करता है, किस तरीके से ये फंक्शन करता है। तो इसके दो फंक्शन होंगे, फर्स्ट मोटर फंक्शन, दूसरा सेंसरी फंक्शन। मोटर फंक्शन जिसमें हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है उनका यूज होता है, और सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी फंक्शन के अंदर हमारी बॉडी जो भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनका यूज होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन के अंदर कौन-कौन सा आएगा? कंट्रोल ऑन वॉलंटरी मूवमेंट, मतलब हमारी बॉडी की जो भी वॉलंटरी मूवमेंट होती है, ऐच्छिक क्रियाएं जो भी हमारी बॉडी की होती है, हलचल जो हम कर सकते हैं, उनके ऊपर ये कंट्रोल करता है। अब ये जो कंट्रोल होता है ये एक क्रम में होता है। सबसे पहले क्या होता है? हमारा जो फीट होता है, मतलब हमारा जो पैर के तलवे होते हैं, वो उठते हैं, वो काम करते हैं। मतलब सबसे पहले जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो पैर के तलवे हैं वो जमीन पर टच होते हैं, उसके बाद लोअर लिम्ब, मतलब हमारे जो पूरा पैर है वो पूरा पैर हिलता है, उसके बाद हिप और ट्रंक, मतलब ये वाला जो हिस्सा है कमर वाला हिस्सा, ये मूवमेंट करता है, उसके बाद हमारे हाथ हिलना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद हमारा सर। तो इस तरीके से एक ऑर्डर में, एक क्रम में हमारा पूरा बॉडी का जो नीचे से ऊपर तक का जो पूरा बॉडी है वो किस तरीके से मूवमेंट करता है हमारी ऐच्छिक क्रियाओं के ऊपर। जब हम मूवमेंट करते हैं, जब हम चलते हैं या कुछ भी काम करने के लिए जब हम उठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो इस क्रम में काम करता है। सबसे पहले फीट, फिर लोअर लिम्ब, फिर हिप, ट्रंक, फिर आर्म, फिर हमारा हेड। इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी का जो मोटर फंक्शन है, इसका कंट्रोल करने का काम करता है सेरिब्रम, सेरिब्रम। सेकंड जो फंक्शन है वो है सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन के अंदर में क्या क्या आएगा? कुछ हमारी बॉडी के जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसका यूज होता है। फर्स्ट है आई, सेकंड ईयर, थर्ड है टंग, फोर्थ है नोज और फिफ्थ है स्किन। ये सेंसरी ऑर्गन्स क्या काम आते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में, मतलब बाहरी वातावरण में जितनी भी मूवमेंट्स होती है या जो भी कोई सा भी परसेप्शन होता है, कुछ भी हलचल हो रही है, जो भी चेंजेस हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हमारे शरीर के बाहर आसपास के वातावरण में हो रहे हैं, उनसे हमारी बॉडी को अवेयर कराती है, जागरूकता देने वाला। जैसे कि आंख जो होती है हमको देखने के काम आता है, किसी भी चीज को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी चीज का आकार आकृति वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, या कोई भी वस्तु हमारे सामने रखी गई है वो हमारे नुकसानदायक है या फायदेमंद है। आई, ईयर, ईयर मतलब हम किसी भी आवाज को सुनकर के पता लगा सकते हैं कि ये आवाज हमारे लिए हानिकारक है या फायदेमंद। थर्ड होता है टंग, टंग हमारा टेस्ट वाला ऑर्गन होता है, जो हमको टेस्ट लेने में, मतलब कोई भी चीज तीखा है, मीठा है, खट्टा है, तो उसका एहसास कराती है। नोज, नोज से हम किसी भी वस्तु का स्मेल, किसी भी चीज का स्मेल हम कर सकते हैं। और फिफ्थ होता है स्किन, स्किन हमारा बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है, ये हमको एहसास कराता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो मौसम परिवर्तन होता है उसके बारे में। तो ये पांच सेंसरी ऑर्गन से, अब ये किस तरीके से कंट्रोल होते हैं हमारे सेरेब्रम के द्वारा, किस तरीके से इनका फंक्शन होता है? तो सबसे पहले है एनालिसिस ऑफ टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, शेप एटसेट्रा। मतलब क्या होगा? जो सेंसरी फंक्शन होंगे सेरेब्रम के, उसमें सबसे पहले एनालिसिस ऑफ टच, एनालिसिस होगा मतलब विश्लेषण होगा, किस तरीके से हमको कोई टच कर रहा है तो उसका एहसास होता है। टेम्परेचर हमारी बॉडी का अगर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उसका एहसास होता है। पेन मतलब अगर हमको दर्द है किसी भी वस्तु के कारण, या मान लो अगर हमारे पैर में कंकर चुभा है, तो उसका जो पेन होगा वो हमको फील होता है किसके द्वारा? सेरेब्रम उसको कंट्रोल करता है। प्रेशर,
प्रेशर, किसी भी वस्तु का प्रेशर अगर हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है तो उसको भी कंट्रोल कौन करता है? सेरेब्रम। और शेप, किसी भी वस्तु का शेप साइज किस तरह का है तो इसको कंट्रोल करने का काम, अगर हम किसी भी बॉडी को या किसी भी स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं तो उसका शेप कैसा है ये कंट्रोल करेगा हमारा सेरेब्रम। इसके अलावा जो सेकंड फंक्शन होगा, गवर्निंग ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, मतलब हमारी बॉडी के जो भी रिफ्लेक्सेस होंगे, किसी भी वस्तु को देख करके हम उसकी तरफ आंख करते हैं या किसी भी वस्तु को देख करके हम बाय चांस अगर ऐसा होता है कि कभी अगर कोई तेज साउंड है तो कैसे हम कान बंद कर लेते हैं, कोई गंदी सी बदबू आ रही है तो हम उसके लिए नाक बंद कर लेते हैं, तो इस तरह के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं इन सब रिफ्लेक्सेस के लिए जो हमारा जिम्मेदार होता है सेरेब्रम होता है। इसके बाद में थर्ड जो चीज है, कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीच, मेमोरी आदि चीजों पर, हमारे थॉट्स, आइडियाज, हमारा जो इंटेलिजेंस होता है मतलब हमारा सोचने समझने की जो क्षमता होती है, इंटेलिजेंस बुद्धि जो होती है, और इसके अलावा स्पीच मतलब बोलना, और मेमोरी मतलब याद रखना, किसी वस्तु को याद रखना, भूल जाना, ये जो कॉन्शियसनेस वाला जो चैप्टर होता है ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। तो सेरेब्रम के ये सारे फंक्शन है। अब हम देखते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखते हैं थैलेमस, थैलेमस क्या होता है? थैलेमस हमारा जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम का ही एक हिस्सा होता है, ये सेरेब्रम के बेस पर, बेस मतलब सेरेब्रम का जो अगला हिस्सा होता है इसके जस्ट अंदर, मतलब यहां से हमारा सेरेब्रम स्टार्ट होता है तो इसके जस्ट अंदर सबसे ऊपर जो ऊपरी हिस्सा होता है यहां पर थैलेमस उपस्थित होता है, इसके ऊपर हाइपोथैलेमस उपस्थित होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं थैलेमस के बारे में। थैलेमस क्या है? सेरेब्रम के बेस पर उपस्थित होता है, ये एक इंपॉर्टेंट रिले स्टेशन है। रिले स्टेशन का मतलब क्या होता है? जो भी सूचनाएं आती है पूरी बॉडी से, जो भी सूचनाएं ब्रेन के अंदर में आ रही है या सेरेब्रम के अंदर में जो भी सूचनाएं आती है उनके लिए एक रिले स्टेशन, मतलब एक जैसे प्रतीक्षालय की, यात्री प्रतीक्षालय की तरह ये कार्य करता है। फॉर द इनकमिंग फाइबर्स, मतलब जो भी सूचनाएं पूरी बॉडी से आती है उनके लिए। ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम, मतलब ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम का मतलब क्या होगा? ये जो तना होता है ब्रेन का जो कि नीचे जाकर के स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, तो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से पूरी बॉडी से जो भी सूचनाएं इस सेरेब्रम के अंदर आती है उनके लिए रिले स्टेशन का काम करता है सेरेब्रम, सॉरी थैलेमस। अब थैलेमस के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जनरली नर्सिंग्स और मेडिकल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सारे फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इसके पहला फंक्शन हम देखते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू परसेप्शन। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू परसेप्शन मतलब हमारा जो भी एहसास होता है बाहरी दुनिया से, हम लोग जिस तरीके से जुड़ते हैं, मतलब हमारे जो भी सेंसरी ऑर्गन जो अभी हमने देखे थे, जिस तरीके से सेंसरी ऑर्गन्स के, सेंसेस के द्वारा हम बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं तो उसमें भी इसका योगदान होता है, थैलेमस का योगदान होता है परसेप्शन में। दूसरा हम देखते हैं रेगुलेटिंग मोटर इंफॉर्मेशन। मोटर इंफॉर्मेशन मतलब हमारा चलना, बैठना, उठना, दौड़ना, ये सारी जो सूचनाएं हैं ब्रेन तक पहुंचाने का काम जो करता है, मतलब हमारे पूरी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनका जो भी मूवमेंट होता है उसको ब्रेन तक या सेरेब्रम तक पहुंचाने का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो फाइबर्स को लेकर के जाता है, तंत्रिकाओं को लेकर के आगे जाता है, उसका वो होता है हमारा सेरेब्रम। थर्ड है रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में आती है, मतलब जिस तरीके से हमारी बॉडी के जो भी सेंसरी ऑर्गन्स है वो काम करते हैं, तो उन सभी सेंसरी ऑर्गन्स की जो भी सूचनाएं हैं उसको ब्रेन तक ले जाने का काम और उनको स्टे रखने का काम, मतलब हमारी ब्रेन के अंदर जो भी हमारी जो भी सेंसरी सूचनाएं हैं उनको कुछ समय के लिए स्थिर बनाए रखने का काम जो होता है वो थैलेमस करता है। फोर्थ है रोल इन मेमोरी, मतलब चीजों को याद रखने में और याददाश्त को आगे बढ़ाने में ये काम करता है। नेक्स्ट है अलर्टनेस और अटेंशन। अलर्टनेस मतलब जागरूकता और अटेंशन मतलब ध्यान, किसी भी वस्तु की तरफ ध्यान लगाना। अब ध्यान जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक, और तीसरा होता है जिसमें दोनों तरह के ध्यान हमारे होते हैं। तो ऐच्छिक ध्यान कैसा होता है? जिसमें हम किसी वस्तु के ऊपर फोकस लगा करके पूरा हमारा ध्यान उसके ऊपर हमारी इच्छा से है। दूसरा होता है हमारा अनैच्छिक अटेंशन, अनैच्छिक या इनवॉलंटरी अटेंशन, जिसमें क्या होता है हम किसी वस्तु पर ध्यान नहीं देना चाहते लेकिन उस वस्तु की तरफ हमारा ध्यान जाता है। और तीसरा होता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों का मिक्स होता है, जिसमें हम किसी वस्तु की तरफ ध्यान देना भी चाहते हैं और हमारा ध्यान नहीं भी देना चाहते हैं। तो इस तरह का जो अटेंशन होता है, तो इन सभी अटेंशन को कंट्रोल करने का काम, इनकी जो मूवमेंट होती है उनको कंट्रोल करने का काम थैलेमस करता है। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब फिर जागरूकता होता है और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बॉडी के अंदर माइंड की तीन स्टेजेस होती है कॉन्शियसनेस की। एक होता है कॉन्शियस होना, कॉन्शियस का मतलब होता है पूरी तरीके से जागरूक होना। दूसरा होता है सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस का मतलब होता है कि हम फिजिकली एक्टिव है बट मेंटली हम लोग एक्टिव नहीं है। और थर्ड होता है
अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हम फिजिकली और मेंटली एक्टिव नहीं है, तो हमारी ब्रेन को हमारे बॉडी के साथ मतलब फिजिकली और मेंटली हमको एक्टिव रखने का जो काम होता है उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो ये काम भी कौन करता है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, थैलेमस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा थैलेमस काम करता है वो होता है रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड अवेकनेस, मतलब हमारा किस टाइम पे हमको नींद आ रही है, किस टाइम पे हमको सोना है और कब हमको उठना है। तो जैसे ही रात होती है हमको सोना होता है तो हमारी बॉडी जो होती है उस तरीके से खुद को ढाल लेती है कि जैसे ही रात होगा हमको सोना है और जब भी मॉर्निंग होगा या जब भी हमको जैसे उजाला होगा या जब भी सूरज उगेगा उस वक्त पे हमको किस तरीके से उठना है। तो जब भी हम डेली नाइट में सोते हैं और सुबह उठते हैं तो ये सारा जो मूवमेंट होता है इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, थैलेमस। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हमारा जो थैलेमस होता है मतलब सेरेब्रम का जो पहला भाग होता है थैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है, बिलो द थैलेमस वाला जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है फ्लोर का, मतलब कौन सा फ्लोर, ये इट फॉर्म्स द फ्लोर एंड पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। हमारे ब्रेन के अंदर चार वेंट्रिकल्स होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है राइट वेंट्रिकल जो यहां पर उपस्थित होता है, दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल जो बिल्कुल मिडिल में होता है, थर्ड वेंट्रिकल होता है इसे थर्ड वेंट्रिकल ही बोलते हैं, ये होता है हमारा बिल्कुल हाइपोथैलेमस के पास में, और फोर्थ वेंट्रिकल हमारा पोन्स एंड मेडुला ऑब्लॉन्गा मतलब हमारा जो हिंज ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क होता है उसमें उपस्थित होता है। तो जो थर्ड वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल क्या करता है, हमारी ब्रेन की जो नर्व्स होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है, किस तरीके से सारी सूचनाएं हमारी बॉडी तक पहुंचती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल की जो फ्लोर होता है मतलब इसकी जो दीवार होती है इसको बनाने का काम करता है हाइपोथैलेमस। अब इसके क्या-क्या फंक्शंस होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि के पिछले हिस्से से निकलने वाले दो इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, इन दोनों का संश्लेषण करना, सिंथेसिस करना जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस के द्वारा ऑक्सीटोसिन यानी कि लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बॉडी को। जब बेबी बर्थ होता है तो बेबी बर्थ होने के बाद में मदर और बेबी के बीच में बॉन्ड करने के लिए जो ब्रेस्ट से मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा। इसके बाद में दूसरा है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है इसको एंटी डायुरेटिक हार्मोन, एंटी डायुरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है क्योंकि ये डायुरेटिक्स मतलब एंटी डायुरेटिक्स के रूप में काम करता है, मतलब यूरिन का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के रूप में काम करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पिछले वाले हिस्से से पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से निकलते हैं उनका सिंथेसिस करने का काम करता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग फैक्टर्स, अब पीयूष ग्रंथि के आगे वाले हिस्से से, पीयूष ग्रंथि हमारे फोर ब्रेन में उपस्थित होती है, तो पीयूष ग्रंथि के जो आगे वाला हिस्सा होता है जिससे कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, इनको भी इनको रिलीज करने का काम जो करता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होता है। इसके बाद में है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हाइपोथैलेमस का, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है तापमान नियंत्रण का काम, वो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हमारी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती है, तो जितनी भी नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर होती है क्रेनियम से रिलेटेड उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनके साथ में सहयोग करके काम करने का जो मेन फंक्शन होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है कंट्रोल ऑन एपेटाइट, हमारी भूख पर नियंत्रण, कितना हमको खाना खाना है, कब रुकना है, कब तक खाना है, इसको सारे को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो ये हमारा फोर ब्रेन मतलब आगे वाला हिस्सा, हमने ब्रेन के तीन हिस्से देखे थे, एक आगे वाला, एक बीच वाला और एक पीछे वाला। तो आगे वाले हिस्से के तीन इंपॉर्टेंट चीजें, एक होगा सेरेब्रम, सेरेब्रम के अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे मिड ब्रेन, मतलब ब्रेन का बीच वाला हिस्सा, ये वाला जो आगे वाले हिस्से को और पीछे वाले हिस्से को जोड़ने का काम करता है। तो मिड ब्रेन क्या होगा, मिड ब्रेन क्या करता है, शॉर्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड सेगमेंट ऑफ ब्रेन, मतलब ये ब्रेन का बहुत छोटा हिस्सा होता है जो आगे वाले ब्रेन को पीछे वाले ब्रेन को मतलब फोर ब्रेन और हिंज ब्रेन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, कनेक्शन बिटवीन सेरेब्रम एंड अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मतलब आगे वाला जो हिस्सा होगा, आगे वाले हिस्से में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सेरेब्रम, सेरेब्रम को पीछे वाले हिस्से से यानी सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लॉन्गा से जोड़ने का जो कार्य करता है, जो कनेक्शन होता है वो होता है मिड ब्रेन।
फंक्शंस क्या होते हैं इसके, मूवमेंट, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। विजुअल एंड ऑडिटोरी प्रोसेस, मतलब देखना और सुनना, देखना और सुनना ये दोनों प्रोसेस, मतलब विजन और हेयरिंग, इन दोनों को भी कंट्रोल करने का काम करती है। विजुअल नर्व और ऑडिटरी नर्व, मतलब ऑप्टिक और ऑडिटरी नर्व जो होती है हमारे ब्रेन के अंदर, ये दोनों कहां पर होती है, हमारे मिड ब्रेन के अंदर, जो कि क्या करती है, हमको देखने और सुनने की प्रक्रिया को संपन्न करती है या इजी करती है। इसके बाद में जब मिड ब्रेन डैमेज हो जाता है, मिड ब्रेन डैमेज हो जाता है या फिर मिड ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की चोट लग जाती है, अगर इस हिस्से में कहीं पर भी इंफेक्शन होता है या पस कलेक्शन या कोई भी इंफ्लामेशन होता है, चोट या सूजन कुछ भी होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में एक डिसीज होती है जिसे पार्किंसन डिसीज बोलते हैं। पार्किंसन डिसीज में क्या होता है, हमारी बॉडी के जो भी, मतलब हमारे हाथ पैर जो लोअर लिंब और अपर लिंब होते हैं, दोनों के जो कनेक्शन होते हैं ब्रेन के साथ, वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हाथों पर और पैरों पर हमारा जो नियंत्रण है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस, कंपन, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे हमारी बॉडी थोड़ा थोड़ा धूझने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के जो कनेक्शंस होते हैं हाथ और पैर के ब्रेन के साथ, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। पार्किंसन डिसीज जनरली 60 साल की एज के बाद, जो ओल्ड एज होती है उसमें स्टार्ट होता है। तो ये सारा कब होता है, जब ब्रेन का पार्ट जो है वो धीरे धीरे कम होता है, मतलब ब्रेन का वेट भी कम होने लगता है, ब्रेन का कंट्रोल जो होता है बॉडी के साथ में वो भी कम होने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंज ब्रेन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है हमारे ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट, मतलब पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्से को हम बोलते हैं हिंज ब्रेन, मतलब पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में तीन इंपोर्टेंट भाग होते हैं, फर्स्ट है सेरिबेलम, सेकंड है पॉन्स, थर्ड है मेडुला ओब्लॉन्गा। तो जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम हमारे ब्रेन के दोनों साइड पे यहाँ यहाँ उपस्थित होता है, तो इसे हम छोटा ब्रेन या शॉर्ट ब्रेन भी बोल सकते हैं, छोटा मगज भी हम लोग इसे बोलते हैं आम भाषा में। तो ये हमारे ब्रेन के दोनों साइड में, मतलब ये जो ब्रेन है, ब्रेन से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड पे सेरिबेलम उपस्थित होता है। सेरिबेलम क्या होता है, बिलो द सेरेब्रम, मतलब ये जो पूरा हिस्सा होता है ये होता है सेरेब्रम, सेरेब्रम के जस्ट नीचे की साइड पे, मतलब ये सेरेब्रम के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे क्या होता है, सेरिबेलम उपस्थित होता है। इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का मतलब है ये जो ऊपर वाला हिस्सा है खोपड़ी या स्कल, इसे हम क्रेनियम बोलते हैं। इस क्रेनियम का जो हिस्सा है, इसमें पीछे वाला हिस्सा, मतलब पोस्टीरियर पार्ट, मतलब ये वाला हिस्सा जो होता है दोनों साइड पे, यहां पर हमारा सेरिबेलम उपस्थित होता है। बिहाइंड पॉन्स एंड मेडुला ओब्लॉन्गा, पॉन्स और मेडुला ओब्लॉन्गा के जस्ट पीछे की साइड पे, तो ये इसका पोजीशन हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या है, इसके काम क्या क्या है वो देखते हैं। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस, मतलब हमारी बॉडी की जो भी वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट होती है, हमारी बॉडी की जो भी ऐच्छिक पेशियां होती है, मतलब ऐसी मसल्स जो हमारे मूवमेंट, हमारे कहने के हिसाब से या फिर हमारे हिसाब से काम करती है, हमारी इच्छा के हिसाब से, उनका उनका मूवमेंट करना, उनका पोस्चर, उनकी स्थिति कैसी होगी और उनका बैलेंस किस प्रकार का होगा, मतलब हमारे हाथ पैर की जो मसल्स या हमारी जो एक्सटर्नल मसल्स होती है वो किस प्रकार से काम करती है, उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो करने का काम करता है सेरिबेलम। सेकंड है कंट्रोल ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। हमारी बॉडी में दो प्रकार से संतुलन होता है, एक होता है बैलेंस, जो नॉर्मल बैलेंस, जिसके लिए हमारे पास दो, हमारे पास क्या होना चाहिए, दो आधार होते हैं जिसमें हम बीच में स्थिर संतुलन बनाते हैं, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों साइड पर हम लोग संतुलन बना के रखते हैं और आधार जो होता है वो बीच में स्थित होता है। तो इस प्रकार का जो इक्विलिब्रियम होता है, इसका भी कंट्रोल करना किसका काम होता है, सेरिबेलम का। थर्ड है टू कीप द मसल्स इन ए नॉर्मल स्टेट, हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है उनको सामान्य स्थिति में बनाए रखने का काम भी सेरिबेलम के द्वारा होता है। रोल इन लर्निंग एंड लैंग्वेज प्रोसेस, जो भाषा हम सीखते हैं, जिस तरीके से हम आगे की बहुत सारी भाषाएं सीखते हैं या किसी भी चीज को हम लोग मेमोरी में रखते हैं, याद रखते हैं, या लर्निंग मतलब नए नए एक्सपीरियंस को हम लोग लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो ये सारी प्रतिक्रियाएं भी हमारी किसके द्वारा कंट्रोल होती है, सेरिबेलम के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉन्स और मेडुला ओब्लॉन्गा, दो पार्ट और हमारे बचे हुए, इनको भी डिस्कस करते देखते हैं। पॉन्स मतलब जो इंपॉर्टेंट भाग होता है हमारे हिंज ब्रेन का, पीछे वाले मस्तिष्क का, सेरेब्रम, सेरेब्रम के जस्ट ऊपर की ओर पॉन्स स्थित होता है। पॉन्स क्या काम करता है, इट सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम, मतलब सेरिबेलम के बिल्कुल सामने की ओर, थोड़ा सा ऊपर की ओर उपस्थित होता है। बिलो द मिड ब्रेन एंड अबाउ द मेडुला ओब्लॉन्गा, मतलब मिड ब्रेन वाले हिस्से से थोड़ा सा नीचे और मेडुला ओब्लॉन्गा से ऊपर की ओर। बिलो द मिड ब्रेन एंड अबाउ द मेडुला ओब्लॉन्गा,
वर्क्स एज ए ब्रिज, ब्रिज की तरह कार्य करता है, मतलब एक पुल की तरह कार्य करता है। किन दो चीजों के बीच में? सेरिबेलम के दो भाग होते हैं, एक भाग लेफ्ट साइड में, एक भाग राइट साइड में। तो लेफ्ट और राइट साइड वाले भाग को मिलाने का जो काम रहता है वो होता है पोन्स के द्वारा। मतलब पोन्स क्या करता है, दोनों भागों के बीच में सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क का जो इंपोर्टेंट भाग होता है सेरिबेलम, जो कोऑर्डिनेट करता है इंपोर्टेंटली, उसके दोनों भागों के बीच में जो इंपोर्टेंट ब्रिज का काम करता है वो होता है पोन्स का। इसके बाद में हम देखते हैं पोन्स के अंदर और क्या होता है, नर्व फाइबर पासेस थ्रू पोन्स, मतलब पोन्स से नर्व फाइबर्स पासेस होती है। नर्व फाइबर मतलब होता है तंत्रिका के जो फाइबर्स होती है, तंत्रिका तंतु, वो इससे पास होती है, इससे गुजरती है। कौन कौन सी तंत्रिका इसके अंदर उपस्थित होती है, तो इसके अंदर फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ चार क्रेनियल नर्व्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, जिनके बारे में हम आगे अगले भाग में पढ़ेंगे। तो इसमें कितनी, चार क्रेनियल नर्व्स, पांचवी छठी सातवीं और आठवीं, चार क्रेनियल नर्व्स काय के अंदर होती है, पोन्स के अंदर, जो क्या करती है सूचनाओं को मिड ब्रेन की तरफ तथा पोन्स से मिडुला ओब्लेंटा की तरफ, मतलब सूचनाओं को कहां लेकर जाती है, ये ऊपर की ओर मिड ब्रेन में और नीचे की ओर मिडुला ओब्लेंटा में सूचनाओं को लेकर जाने का काम, तंत्रिकाओं को पहुंचाने का काम कौन सी क्रेनियल नर्व्स करती है, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, और ये कहां प्रेजेंट होती है, पोन्स में। तो ये इसका काम होता है कि ये एक ब्रिज के रूप में काम करता है जो कि सेरिबेलम के दोनों भागों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडुला ओब्लेंटा। मेडुला ओब्लेंटा कौन सा भाग है, ये वाला सबसे निचला भाग। अब जहां पर मेडुला ओब्लेंटा होता है यहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं किस तरीके से ये रहता है। इट इज द मोस्ट इंटीरियर रीजन ऑफ ब्रेन स्टेम, मतलब ब्रेन स्टेम मतलब ब्रेन का जो तना होता है, हमारे मस्तिष्क का जो सबसे जुड़ा हुआ भाग होता है उसका सबसे आंतरिक भाग, सबसे इंटीरियर रीजन, सबसे आंतरिक भाग होता है मेडुला ओब्लेंटा। इट इज एन अपवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये स्पाइनल कोड का ऊपरी तरफ से कंटिन्यूएशन, मतलब ऊपरी तरफ से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है। एक्सटेंडेड फ्रॉम पोन्स अबाव एंड स्पाइनल कोड बिलो, जो कि ऊपर की ओर पोन्स से जुड़ा होता है और नीचे की ओर स्पाइनल कोड से या हमारी रीड किडनी से जुड़ा हुआ होता है। अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है मेडुला ओब्लेंटा, जो कि हमारी क्रेनियम केविटी में, जस्ट विद इन क्रेनियम केविटी। क्रेनियम केविटी मतलब हमारी जो खोपड़ी वाला स्थित हिस्सा होता है, हमारा जो स्कल होता है उसमें स्थित होता है। अबाउ फोरमन मैग्नम, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोरमन मैग्नम। फोरमन मैग्नम का मतलब क्या होता है, यहां पर हमारा मेडुला ओब्लेंटा खत्म हो गया, लेकिन यहां पर क्या होता है, एक ये भाग होता है जिसमें से होकर के स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है। तो ये जो खड्डा होता है, ये जो भाग होता है, इसको बोलते हैं फोरमन मैग्नम। इसमें से होकर के स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ में कनेक्ट होती है, या मेडुला ओब्लेंटा के साथ में स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है। इसके अंदर 9, 10, 11, 12 चार क्रेनियल नर्व्स होती है। कौन सी 9, 10, 11, 12 आखिरी की चार क्रेनियल नर्व्स जो होती है, जो तंत्रिकाएं होती है, वो इसके अंदर मेडुला ओब्लेंटा के अंदर उपस्थित होती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम होता है कि चारों नर्व्स के लिए, चारों क्रेनियल नर्व्स के लिए क्या करता है, ये न्यूक्लियस प्रदान करता है। और ये क्या करता है, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, इन चार नर्व के लिए न्यूक्लियस प्रदान करता है। तो ये इन दोनों के इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, यहां तक हमने देख चुके हैं, इसके बाद में आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है मेनिंजस, उसके बारे में, और जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता होता है सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इन तीन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और बाकी की चीजें हम उसके आगे वाले भाग में। तो थैंक यू फॉर दिस, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।